बीते दिनों जिस तरीके से पीएमसीएच में जीएनएम की छात्राओं के साथ पुलिस कर्मियों ने व्यवहार किया, आज ये लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठी है। ये नजारा है यहाँ का, आखिर क्या मांग है, हम इनसे जुड़ते हैं, क्या मांग कर रही है? हमारी बस ये मांग है कि हम लोग को प्रशिक्षण पीएमसीएच में ही करना है और हम लोग को जो छात्रावास है पटना में ही दिया जाए। ठीक है, जो हम लोग पीएमसीएच का जो नव निर्माण बन रहा है, जो हमारे सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम उसकी सम्मान करते, खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बिहार में एक एशिया का टॉप मोस्ट अस्पताल बने, तो ये गर्व की बात है। लेकिन उसमें हम लोग बलि का बकरा क्यों बने? हम लोग के साथ ऐसा, हम लोग की जायज मांग है, ऐसा नहीं। और हम लोग की बस छोटी मांग है, अगर आप यहाँ पटना में जगह नहीं मिला तो हम लोग को स्कॉलरशिप दीजिए ना, हम लोग खुद को स्कॉलरशिप दीजिए, खुद ही हम लोग रहने को तैयार है बस। लेकिन हम लोग का प्रशिक्षण पीएमसीएच में ही करना। इतने दिनों से आप लोग हमेशा ही सरकार के पास जा रहे हैं, कभी तेज प्रताप यादव, कभी तेजस्वी यादव, फिर क्यों नहीं मदद मिली? ये तो सरकार बता सकती है, हम मदद मांग रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। मतलब एकमात्र हमको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, वो अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं। हमारी ज्यादा मांग नहीं है, हमारे अच्छे प्रशिक्षण के लिए हमको हॉस्टल चाहिए पटना में, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि क्लिनिकल ड्यूटी अगर अच्छा करेंगे तो ही हम अच्छा कुछ कर पाएंगे, आगे अच्छी सेवा प्रोवाइड कर पाएंगे। बीते दिनों आप लोगों पे पुलिस कर्मियों ने, पुरुष पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, उसके कुछ एक्शन लिया गया? कोई भी एक्शन नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमने उसकी भी मांग की है, सभी जहाँ पर भी गए हैं, जिनके भी दरवाजे पे गए हैं, सबसे ही बोला कम से कम उसकी जांच करवाए। हमारे अधीक्षक जो है, प्रिंसिपल जो है, उनसे पूछा जाए, वो हमारे गार्जियन थे ना, अगर हम प्रशिक्षण कार्यकाल में हैं तो हम उनकी जिम्मेदारी थे, तो उनके सामने हमको क्यों पिटा गया, ये उनसे पूछना चाहिए था ना। लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, कोई भी कार्रवाई और कोई भी जांच नहीं की गई है। अगर आप लोग का छात्रावास जो है पटना के बाहर दे दिया है, कितना दिक्कत हो? बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। हम लोग को मतलब प्रशिक्षण पीएमसीएच में चाहिए, और अगर बाहर, अगर सदर में हम लोग प्रशिक्षण लेंगे तो हम लोग मेडिकल कॉलेज के लायक थोड़ी ना बन पाएंगे। हम लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो प्रशिक्षण तो यहीं पे ना लेंगे। सदर में अगर प्रशिक्षण लेंगे तो अगर उस लायक हम लोग को कहीं फ्यूचर में जाके जॉब प्रोवाइड ना किया जा सके, इसकी गारंटी सरकार लेती है? आज सरकार, हम लोग इतने दिन से आंदोलन पे बैठे हुए, सरकार कुछ नहीं कर रही है, उल्टे हम लोग पे लाठीचार्ज करवाई। जब वोट का समय होता है तो सरकार आती है, हमारे सामने हाथ जोड़ करके वोट लेती है, और जब हम आज हमें उनकी जरूरत है तो हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया, पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया, मेरा फोन महिला पुलिस कर्मी के द्वारा छीन लिया गया, लेकिन अभी तक इस पे किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी ये लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठे हैं, इतनी सी मांग है कि इनका छात्रावास जो है वो पटना के अंदर ही दिया जाए, क्योंकि अगर पटना के दूर दिया जाएगा पटना से तो इनको बड़ी तकलीफ होगी। पीएमसीएच का सपना लेके आई थी लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, और अभी तक कुछ सरकार ने भी एक्शन नहीं लिया। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।